इस वीडियो में मैं एक स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में बात करने वाली हूं और ये पब्लिश किया गया है फ्रॉम CSIR, दैट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये है रोलिंग एडवर्टीजमेंट नंबर जो कि यहाँ पर मैंशन होके रखा है। पोस्ट की बात कर लें तो दिस इज अ पोस्ट फॉर द स्टूडेंट इंटर्न। नंबर ऑफ पोजिशन एक है। प्रोजेक्ट कोड यहाँ पे मैंशन है। प्रोजेक्ट के टाइटल के बारे में हम बात कर लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ स्पॉन्ज कोरल माइक्रोब इंट्रैक्शंस ऑन रीफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम से रिलेटेड जो एरिया है मेनली इंट्रैक्शन जो है उनपे ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट होने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट्स इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन दैट इज MSc, MTech और MPharma। यानी ऐसे कैंडिडेट्स जो कि अपने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन में है और वो पोस्ट ग्रेजुएशन MSc हो सकता है, MTech हो सकता है, MPharma हो सकता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेक श्योर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन ऑन गोइंग होना चाहिए, आपका फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में होना जरूरी है। अगर आप पास आउट हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। या फिर अगर आपका फोर्थ ईयर चल रहा है ग्रेजुएशन का, दैट इज मेनली BTech फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका BTech कंप्लीट हो गया है या फिर MSc कंप्लीट हो गया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ऑनगोइंग होना चाहिए, चाहे MSc हो चाहे BTech हो। ये तो रहा एसेंशियल, मतलब ये होना ही होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं डिजायरेबल की। कैंडिडेट्स विथ रिसर्च एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग द माइक्रोबियल कल्चर आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन प्रिजर्वेशन विल बी प्रेफर्ड। यानी आपका जो है थोड़ा सा एक्सपर्टाइज होना चाहिए माइक्रोबियल कल्चर में, उनके आइसोलेशन में, कैसे प्यूरिफाई करना है, कैसे प्रिजर्व करना है। मंथली अमाउंट की अगर हम बात करें या फिर इमोल्यूमेंट्स की बात करें मंथली, तो आपको मिलेगा 5000 पर मंथ। तो ये तो हो गए बेसिक डिटेल जिसको पढ़ के आपको समझ में आ सकता है कि काम किस पे होने वाला है, कितने पोजीशन है, आप एलिजिबल हो या नहीं हो और आपको उस इंटर्नशिप के बदले क्या मिलने वाला है। चलिए अब मैं आपको वेबसाइट विजिट करके दिखा देती हूँ कि आपको अप्लाई कहाँ से करना है। सो ये आ गए हम वेबसाइट पे जहां से आपको अप्लाई करना है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको ये डायरेक्टली नहीं मिले तो आपको जो है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी के वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आपको चले आना है होम में जाकर रिक्रूटमेंट में एडवर्टीजमेंट नंबर ये डाल के आपको ये पर्टिकुलर पेज मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रोडक्टरी पोर्शन में आपको सारे बेसिक डिटेल्स अपने भरने हैं जो भी यहाँ पर मांगा गया है। अच्छे खासे डिटेल्स मांगे गए हैं, आप वन बाय वन करके इसको फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद नेटिव प्लेस एंड रिजर्वेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डालना है, फिर एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालना है एंड लास्ट में साइनोप्सिस की डिमांड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको फिलअप करनी है। इसको जब आप फिलअप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितनी बेसिक चीजें यहाँ पे भरना है। उसके अकॉर्डिंग आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि यहाँ पे डिमांड की गई है। जो भी यहाँ पे डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही आप डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे या अपलोड करेंगे, जितनी भी डिजायरेबल मतलब साइज में बोला गया है। सो अगेन आई एम सेइंग जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं रिगार्डिंग दिस वेबसाइट वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं और आपकी एलिजिबिलिटी अगर मीटअप होती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज ये एक अच्छा खासा टाइम होता है जहाँ पे आपको एक रिसर्च एक्सपीरियंस मिल जाता है एक छोटे से प्रोजेक्ट के तौर पे। सो मैं उम्मीद करती हूँ एवरीवन कि ये डिटेल आपके लिए यूजफुल रहा होगा, जिसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो सिमिलर टाइप की अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलना होगा बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो।